हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश थिंकर में। गाइस, आज हम करने वाले हैं हेडलाइन जो कि है पेज नंबर 5, 24 अक्टूबर का है, द हिंदू का न्यूज़पेपर है। ठीक है, इसकी हम करेंगे ट्रांसलेशन वर्ड टू वर्ड। हिंदी में आपको बताती जाऊंगी, जो भी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है उसको भी हम समझेंगे। हेडलाइन देखते हैं, प्रियंका फाइल्स पेपर्स अमिड कांग्रेस शो ऑफ स्ट्रेंथ। प्रियंका ने क्या किया, मींस फाइल की है। देखिए, प्रेजेंट में दी होती है, हेडलाइन हमेशा किस में होती है, प्रेजेंट में, और हम किस में एज्यूम करेंगे, पास्ट में। ठीक है ना, मींस फाइल्ड, यहां पर क्या होना चाहिए था, फाइल मींस दाखिल किए, अपने पेपर्स दिए, नामांकन दिया अपना, किसके बीच में, अमिड कांग्रेस शो ऑफ स्ट्रेंथ। ठीक है ना, कांग्रेस के शक्ति प्रदर्शन के बीच में, कांग्रेस के शक्ति प्रदर्शन के बीच में उसने, प्रियंका ने अपने जो पेपर थे नामांकन के, उस वो फाइल किए, मींस दर्ज कराए। ठीक है ना, चलिए। कांग्रेस लीडर टेक्स पार्ट इन मैसिव रोड शो। कांग्रेस के जो नेता हैं, लीडर हैं, ये भी किसमें होती है, ये छोटी हेडलाइन होती है, ये भी प्रेजेंट में दिखाई गई होती है, लेकिन हमें पास्ट में ही समझनी होती है इसको। कांग्रेस के जो नेता हैं, उन्होंने लिया, टेक्स लगा है, लेकिन यहां पर हम सेकेंड फॉर्म चूज करेंगे, लिया, पार्ट लिया, भाग लिया, इन मैसिव, बहुत बड़े विशाल रोड शो में, इन वायनाड में, अटेंडेड बाय मीन्स कौन कौन इसमें अटेंड हुए, अ सी ऑफ सपोर्टर्स मीन्स बहुत भारी संख्या में जो समर्थन थे, सी मीन्स जैसे समुन्दर होता है, उसी तरह से जो भीड़ थी किसकी, सपोर्टर्स की, है ना, उनके द्वारा सोनिया गांधी, राहुल खड़गे एंड अदर लीडर्स अकंपनी, साथ दिया उनका, किसका, प्रियंका का, एज किसके रूप में, एज शी, क्योंकि शी मेक्स हर इलेक्ट्रोल डेब्यू, शी मेक्स, उसने किया अपना, क्या किया, इलेक्ट्रोल, चुनावी शुरुआत की, डेब्यू होता है प्रथम प्रवेश, ठीक है, शुरुआत किया, इसलिए वो सारे इनके साथ थे। चलिए हेडलाइन देखते हैं क्या है इसमें। मेकिंग हर इलेक्ट्रोल डेब्यू, मार्किंग, मार्किंग मींस मोहर लगाते हुए या फिर चिन्हित करते हुए, ठीक है ना, प्रेजेंट पार्टिसिपल का सेंस दे रहा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है, हर इलेक्ट्रोल डेब्यू, अपना चुनावी जो शुरुआत है उसको चिन्हित करते हुए, कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी, ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, वाड्रा, प्रियंका गांधी वाड्रा फाइल्ड, सेकेंड फॉर्म लगी है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, किसका सेंस दे रहा है, पास्ट इंडेफिनेट का, ठीक है ना, दाखिल किया अपना नाम, हर नॉमिनेशन, किसके लिए, फोर लगाकर दिखाया, फोर क्या है, प्रपोजिशनल फ्रेज है, फॉर द वायनाड लोकसभा, वायनाड का जो विधानसभा के, जो लोकसभा के उपचुनाव है, कब है, ऑन वेंसडे, उसमें उसने अपना क्या किया, फाइल किया, दाखिल किया अपना नॉमिनेशन, पास्ट इंडेफिनिट का सेंस दे रहा है, ठीक है ना, द बायपोल जो उपचुनाव है, विल बी हेल्ड, रखे जाएंगे, किसका पैसिव है ये, फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव है, विल बी हेल्ड मीन्स होंगे, या किए जाएंगे, करवाए जाएंगे ऑन नवंबर 13, क्लियर है यहां तक। आगे देखते हैं, शी वॉज अकम्पेन्ड, सब्जेक्ट है शी हमारा, यहां पर वॉज के साथ थर्ड फॉर्म दी गई है, किसका है, सिंपल पास्ट का पैसिव है ये, अकम्पेन्ड होता है भाग लेना, भाग लिया गया था, ठीक है ना, मतलब उसने भाग लिया गया था, किसके द्वारा, बाय द पार्टी लीडर्स, पार्टी लीडर्स के द्वारा उसे भाग लिया गया था, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल हैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी एंड द कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे एंड हर हस्बैंड रॉबर्ट वाड्रा, इन सबके द्वारा उनके साथ भाग लिया गया था, किसके साथ, प्रियंका गांधी के साथ, मतलब ये सबने भाग लिया था। नेक्स्ट है, रोड शो इन कलपेटा, बिफोर फाइलिंग हर नॉमिनेशन मीन्स पहले, क्या है ये, प्रपोजिशन फ्रेज है, बिफोर फाइलिंग मीन्स दाखिल करवाने से पहले, अपना जो नॉमिनेशन है उसको कराने से पहले, मिस वाड्रा, वाड्रा पार्टिसिपेटेड, सेकेंड फॉर्म लगी है, पास्ट इंडेफिनेट है, मिस वाड्रा क्या है, सब्जेक्ट है, मीन्स उन्होंने भाग लिया इन अ रोड शो, जो रोड पे शो होता है, कहां पर, इन कलपेटा, कलपेटा में, विद किसके साथ, विद अ बिग क्राउड चेयरिंग अप, चेयरिंग हर, बहुत बड़ा जो क्राउड था, जो बड़ी भीड़ थी, ठीक है, चेयरिंग अप मीन्स उनको क्या करते हुए, उत्साह देते हुए, ठीक है, वहां पर उन्होंने भाग लिया। द बाई इलेक्शन वॉज नेसेसिएटेड,
जो उपचुनाव थे वॉज नेसेसिएटेड मीन्स इसके क्या था, आवश्यक हो गया था, वॉज के साथ थर्ड फॉर्म है पैसिव, बाय द वैकेंसी। वैकेंसी मीन्स किसके कारण, जो रक्त, जो वैकेंसी जो बच गई थी खाली, जो है ना जो रक्त पद था उसके कारण छोड़ दिया गया था, लेफ्ट बाय हर ब्रदर, जो उनके भाई के द्वारा जो वैकेंसी छोड़ दी गई थी उसके द्वारा उसे मीन्स जरूरी हो गया था, नेसेसिएटेड हो गया था। राहुल गांधी फिर बताया गया है कॉमा लगाकर, ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है, इससे रिलेटेड क्लॉज भी कहते हैं। हु, उनके बारे में अधिक जानकारी दी गई है, हु वन, जिन्होंने जीता, फ्रॉम रायबरेली, रायबरेली में चुनाव जीते, एंड कैप्ट द सीट, और सीट को अपनी बरकरार रखा, कैप्ट मीन्स रखा, ठीक है ना, सेकेंड फॉर्म है। डिस्पाइट द स्वेल्टरिंग हीट, किसके बावजूद, डिस्पाइट मीन्स के बावजूद, किसके बावजूद, स्वेल्टरिंग मीन्स बहुत ही पसीने वाली गर्मी के कारण, के बावजूद, थाउजेंड ऑफ वर्कर्स, हजारों में जो कर्मचारी थे कहाँ के, ऑफ द कांग्रेस लेड यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, जो कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक जो मोर्चे की जो सरकार है मीन्स कांग्रेस है, वो लोग सारे जो वर्कर्स हैं सारे गैदर हुए, इकट्ठे हुए, सेकेंड फॉर्म है। अब देखिए थाउजेंड ऑफ वर्कर्स क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, लेकिन इसका जो प्रेडिकेट है वो यहां से शुरू होता है, ये उनके बारे में बताया गया है, कैसे वर्कर्स, कौन से वर्कर्स, ऑफ लगाकर दिखाया है कि कांग्रेस लेड यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के, ठीक है, वो सारे इकट्ठे हुए, गैदर्ड हुए टू सपोर्ट, समर्थन के लिए किसके, मिस वाड्रा के, क्या करते हुए, वेविंग, वेविंग है ना, वेव के साथ आईएनजी लगा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या सेंस दे रहा है, हिलाते हुए, बलून्स एंड पार्टी फ्लैग्स, पार्टी के जो झंडे हैं वो और बलून को हिलाते हुए, एंड शाउटिंग स्लोगन्स, और चिल्लाते हुए जो उनका स्लोगन है, नारे लगाते हुए, ठीक है ना, इस तरह से। आगे देखते हैं, इन हर एड्रेस फॉलोइंग द रोड शो, ठीक है, अपने संबोधन में, फॉलोइंग मीन्स के बाद, किसके बाद, रोड शो के बाद, अपने रोड शो के बाद अपने संबोधन में मिस वाड्रा सेड, उन्होंने कहा, I have been campaigning for 35 years for elections, कि मैं, अब ये देखिए have been के साथ first form ing है, for लगाकर समय भी दिखाया गया है, तो कौन सा tense है ये, present perfect continuous, जिसमें has have been के साथ लगता है, first form के साथ ing और समय दिखाया गया होता है, वही वाला है ना ये। I have been campaigning, कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं ये मतलब ये जो प्रचार है ना, मैं प्रचार करती आ रही हूँ, कब से, फॉर 35 years से, मीन्स 35 सालों से मैं प्रचार करती आ रही हूँ, किसके लिए, फॉर इलेक्शंस, बट लेकिन दिस इज द फर्स्ट टाइम, ये पहला समय है, पहली बार है, आई एम कैंपेनिंग फॉर माई सेल्फ बिफोर यू, आई एम कैंपेनिंग, कि मैं प्रचार कर रही हूँ, एम के साथ फर्स्ट फॉर्म आई एन जी है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंस दे रहा है, रहा है, रही है का, कि मैं प्रचार कर रही हूँ अपने लिए, आपके सामने पहली बार, इट इज अ डिफरेंट फीलिंग, क्या है ये, इट इज अ डिफरेंट, ये अलग ही अनुभूति है, आई एम डीपली ग्रेटफुल, मैं बहुत आभारी हूँ, बहुत ही मीन्स गहराई से आभारी हूँ, टू मिस्टर खरगे, खरगे के लिए, फॉर द प्रिविलेज, जो उनको विशेष अधिकार दिया गया, ऑफ बींग, होने का, अपॉइंटेड एज अ, उन्हें नियुक्त किया गया किसके रूप में, एज अ कांग्रेस कैंडिडेट के रूप में नियुक्त किया गया, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। शी रेफर्ड, उसने उल्लेख किया, रेफर्ड किया टू हर विजिट, अपनी जो उसकी विजिट, जो उसने दौरा किया, टू वायनाड आफ्टर द लैंडस्लाइड, जो भूस्खलन हुआ, मीन्स धरती का है ना, वहां पर जो हुआ था भूस्खलन, लैंडस्लाइड हुआ था, उसके बाद वायनाड के दौरे पे उसने क्या रेफर किया, उल्लेख किया, और कहा, एवरीवन शी मेट, मीन जिससे भी वो मिली, वाज एंगेज्ड, वो क्या लगा हुआ था, इन हेल्पिंग अदर्स, दूसरों के हेल्प में लगा हुआ था, वो क्या कहना चाहती है, कि जब भी वो जिससे भी मिली उस दौरान, तो हर कोई एक दूसरे की हेल्प में लगा हुआ था, वॉज एंगेज्ड, ठीक है ना। आई एम हेयर टू फाइट यू बैटल्स, आई एम हेयर, मैं यहाँ हूँ, टू फाइट, लड़ने के लिए, तुम्हारी बैटल्स, लड़ाइयों को लड़ने के लिए मैं यहाँ हूँ, स्टैंड बाय यू थ्रू थिक एंड थिन्स, कि मैं खड़ी हूँ आपके साथ, बाय यू थ्रू थिक एंड थिन मीन्स हर अच्छे बुरे समय में, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ, बी योर वॉइस, आपकी आवाज़ बनूंगी,
एंड आई विल नॉट लेट यू डाउन, और मैं कभी भी आपको मीन्स नीचा नहीं होने दूंगी, ठीक है ना, मतलब मैं आपको निराश नहीं करूंगी. शी सेड, उसने कहा, किसने कहा, प्रियंका गांधी ने. मिस्टर गांधी मिस्टर गांधी सेड द पीपल ऑफ वायनाड, जो राहुल गांधी हैं उन्होंने कहा कि जो लोग हैं कहाँ के, वायनाड के, वुड नाउ हैव टू MPs, अब होंगे टू MPs, दो सांसद होंगे, टू रिप्रेजेंट मींस क्या करने के लिए, संबोधन करने के लिए उनको इन पार्लियामेंट, ठीक है, संसद में दो सांसद होंगे, अब संसद में दो MPs होंगे संबोधन करने के लिए उनको. एंड अर्ज, और उन्होंने क्या किया, गुहार लगाई, अर्ज किया टू इलेक्टोरेट, किसको मींस चुनाव लोगों को, जो मतदाता हैं उनको गुहार लगाई, टू टेक केयर ऑफ हिज सिस्टर, उनकी उनकी बहन का ध्यान रखें एंड वोट करें उन्हें कब तक, टू पार्लियामेंट मींस पार्लियामेंट तक भेजने के लिए उनको वोट करें, एंड वोट हर टू पार्लियामेंट, कि उनको वोट करें ताकि वो पार्लियामेंट में पहुंच सके, ये सेंस आएगा, ठीक है ना. द लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, जो वामपंथी है, जो वाम के लोग हैं, जो लेफ्ट के हैं, डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक मोर्चे के सत्यन मोकरी एंड द भारतीय जनता पार्टीज नव्या हरिदास, ये जो लोग हैं, द अदर मेजर कंटेंडर्स, जो दूसरे मुख्य जो दावेदार हैं इन बाय इलेक्शन उपचुनाव में, आर स्केड्यूल्ड, ठीक है ना, उन्हें निर्धारित किया गया है टू फाइल, दाखिल करने के लिए देयर नॉमिनेशन पेपर्स, अपने जो नामांकन पेपर्स हैं उन्हें निर्धारित किया गया है दाखिल करने के लिए ऑन थर्सडे. पोलिंग विल टेक प्लेस, जो चुनाव है, ठीक है ना, चुनाव विल टेक प्लेस, होंगे, फ्यूचर इनडेफिनेट का सेंस दे रहा है, जो चुनाव है वो होंगे, कब होंगे, November 13 को, क्लियर है. तो आई होप ये जो आपको पैराग्राफ है वो समझ में आया, मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए आवाज़ थोड़ी सी हैवी है, ठीक है. और अगर किसी को नहीं भी समझ में आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आंसर दूंगी उसका. गॉड ब्लेस यू.